नमस्कार, स्वागत है आप सबका सुपरफास्ट जनादेश आपकी आवाज में। मैं मानसी धामने आपको ले चलती हूँ शहर की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। एनसीपी पार्टी और टीम ओमी कलानी द्वारा रास्ता रोको आंदोलन किया गया। आइए जानते हैं किस विषय को लेकर ये आंदोलन किया गया। महानगर पालिका प्रशासन की तरफ से या कमिश्नर की तरफ से देरी की जाने की संभावना थी, पर जो हाल ही में भी महाड़ का हादसा हुआ है उसको देखते हुए सरकार और पूरे सभी कमिश्नर और महानगर पालिका अलर्ट है, तो उसी चीज का फायदा हमको इस ब्रिज में बनाने में मिलेगा। तो अभी जयसवाल साहब आपके हमारे बीच में, संदीप है जेई, हम जमील भाई को, कमलेश को, संतोष को, कुमारी साहब, हम सब डॉक्टर साहब, हम लोग अभी सीधा यहाँ से कमिश्नर के पास जाते हैं। छोटा जो आप वडोल गांव का जो ब्रिज बोल रहे हैं उसका टेंडर निकल चुका है, स्टैंडिंग में पास रुक चुका है, ठेकेदार के पास है वर्क ऑर्डर, पर बारिश के कारण से काम नहीं चालू किया है। अभी जाके ठेकेदार को भी मंगाते हैं कमिश्नर के सामने, और तुरंत बारिश अभी बंद हो चुकी है, 3-4 दिन से काम चालू है, तुरंत यही हफ्ते में उस ब्रिज का काम चालू करना, क्योंकि उसका टेंडर पास हो चुका है, वर्क ऑर्डर मिल चुका है। दूसरा स्काई वॉक के लिए ऑलरेडी ऑर्डर हो चुका है सफाई और लाइट का, वो भी कल का कल ही सफाई और लाइट चालू हो जाए। आए दिन कंप्लेंट आती है, पुलिस का भी एक रिमांड लेकर उसको साइड टू में करके आने वाली स्थायी समिति में भेजकर उसको पास कराकर आने वाले 15 दिन के अंदर काम चालू करने की जवाबदारी डिपार्टमेंट और हम यहाँ सब पदाधिकारी लेते हैं। ऐसा है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 23 नंबर पैनल के रहवासी और राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये सब मिलकर रास्ता रोको आंदोलन किया है, ना कि अकेला जमील खान ने या शिवाजी रगड़े ने किया है, ना गायकवाड़ भाई ने, पूरे 23 नंबर पैनल के लोग प्लस हमारे राष्ट्रवादी पार्टी के लोग थे, सब मिलकर हम लोगों ने रास्ता रोको आंदोलन किया। हमारी मेन मांगे थी जिधर हम खड़े हैं ये ब्रिज उल्लास स्टेशन को जाता है, यहाँ पर आए दिन हादसे होते रहते, थोड़ा बरसात हुआ कि पानी भर जाता, थोड़ा बरसात हुआ कि पानी भर जाता। वड़ौली गाँव वहाँ पर सेंट जोसेफ स्कूल है, कम से कम 7-8 हज़ार बच्चे पढ़ते, वहाँ का यही इधर के जैसा ही उधर का हाल है। तीसरा ये स्काई वॉक है, ये रात के टाइम हमारी माँ बहनें जाती हैं, उनका मोबाइल छीनना, पैसा छीनना, ये सब बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को लेकर के हम लोग ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया है सभी साथियों के सहयोग से। अभी जमील भाई ने जो बताया कि यहाँ के जो नागरिक है विविध समस्याओं से त्रस्त है, जैसे हमने ब्रिज का देखा कि संजय गांधी नगर का जो ब्रिज है आए दिन यहाँ पर हादसे हो रहे हैं। वडलगांव में जो ब्रिज है वो भी काफ़ी छोटा है। अभी हम प्रशासन को जो सोई हुई है उनको इस आंदोलन के माध्यम से जगा कर ये बताना चाह रहे हैं कि महाड़ में जो दर्दनाक हादसा हुआ है, क्या आप उसी तर्ज पर कोई हादसे का यहाँ पर इंतजार कर रहे हो? अगर नहीं तो जल्द से जल्द ये आप काम शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर 15 दिन का उन्होंने आश्वासन दिया है, हम महानगर पालिका को बताना चाहते हैं कि 15 दिन के अंदर अगर आपने ये काम शुरू नहीं किया तो आज आपने जो आंदोलन यहाँ पर जो देखा है इसे 1000 गुना तीव्र आंदोलन महानगर पालिका देखेगी। यहाँ नगर पालिका छोटा सा मुद्दा दाखिल, छोटा सा आंदोलन दाखिल है नगर पालिका माहिती है कि जर जनता वैतागली तो काय करेल, जर हे ब्रिजचं काम आणि वडलगावच्या ब्रिजचं काम आणि स्कायवॉकचं काम त्यांनी लवकरात जर नाही घेतलं तर आम्ही नगरपालिकेला टाळे ठोकल्याशिवाय राहणार नाही, आम्ही एवढंच या ठिकाणी बोलू शकतो। हर साल की तरह इस साल भी आमदार ज्योति पप्पू कालानी द्वारा सीमा रिजॉर्ट में पार्थिव शिवलिंग पूजा का आयोजन किया गया, जहां शहर के कई गणमान्य लोग इस मौके पर मौजूद थे। मेरे शंकरा भोलेनाथ, मेरे शंकरा भोलेनाथ, तू करीब है भक्तों के, ये नसीब है भक्तों के, तू करीब है भक्तों के, ये नसीब है भक्तों के, शंकरा मेरे शंकरा भोलेनाथ, मेरे शंकरा भोलेनाथ।
सावन मास की हमारे सभी शहरवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छाएं। आज पांचवा दिन है हमारी पार्थिव शिवलिंग की पूजा का, जो 1.25 लाख हम लोग करते हैं। आज लास्ट दिन है, अभी अभिषेक हो रहा है, अभी हवन होगा। हमारे जितने भक्त शिव भक्त हैं जिनके नसीब में दर्शन था, सभी आए हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। और शहरवासी भी ये टीवी पे देखेंगे, उनको भी भगवान उनकी भी मनित कामना पूरी करेगा, आशीर्वाद देगा। मैं शिव तो हैं ही भोले, अपने भक्तों की तो सुनते ही हैं, सभी भक्त जो प्रेम से उनको पुकारते हैं उनकी सुनते हैं, हमारे उल्लासनगर की भी सुनेंगे। अभी हमारे शहर का भला हो, अच्छा IAS ऑफिसर आया है, हम उम्मीद करते हैं कि आकर के बागडोर नकेल कसेगा, इस शहर की नकेल कसके और इस शहर का विकास करेगा। भगवान हम सभी को भी सम्मति देगा, सद्बुद्धि हमारे घर में, सुख शांति सुख संपदा हमेशा हमारे घर में रहे, हमारा शहर हमेशा खुश रहे, सभी हमारे व्यापारी भाई शाद रहें, आबाद रहें, शहर में खुशियां हों। और सभी मिलकर के मुझे भी दुआ करें, आशीर्वाद करें। चालिया साहब भी चल रहा है हमारे यहाँ पे, और झूलेलाल मंदिर का चालिया अभी पूरा होने वाला है 24 तारीख को, और 5 नंबर का भी चालिया साहब चल रहा है, उसकी भी सभी को हार्दिक शुभेच्छाएं। हमारे सभी भक्तजन चालिया साहब के दर्शन करने भी आए, वहाँ पे झूलेलाल साईं की भी आशीर्वाद लें। उल्लासनगर 1 के साई बाबा मंदिर द्वारा आने वाली 21 अगस्त को उल्लासनगर 3 स्थित रीजेंसी हॉल में शाम 5 से 9 बजे साई नारायण बाबा जी के सत्संग का आयोजन किया गया है। ओम साई राम। रविवार 21 अगस्त 2016 को रीजेंसी हॉल में शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक परम पूज्य सदगुरु श्री साई नारायण बाबा अपनी अमृत तुल्य वाणी से श्री श्री साई बाबा की अद्भुत जीवनी व उपदेशों की वर्षा करेंगे। सभी शहरवासियों को आमंत्रित किया जाता है कि इस सत्संग में शामिल होकर बाबा की आशीष कृपा व महाप्रसाद अवश्य प्राप्त करें। इसी के साथ साथ साई बाबा मंदिर का वर्धापन दिवस होने के उपलक्ष में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, आइए इस बारे में लेते अधिक जानकारी। सोमवार 22 अगस्त 2016 को उल्लासनगर 1 में स्थित श्री साई बाबा मंदिर का प्रथम वर्धापन दिवस के निमित्त सुबह 7 बजे से श्री साई बाबा की जागृत मूर्ति का एकादश द्रव्य रुद्राभिषेक व महायज्ञ का आयोजन किया गया है, और सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक श्री साई भंडारे का महाप्रसाद अवश्य प्राप्त कर साई की आशीष कृपा प्राप्त करने हेतु सभी शहरवासियों का हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। ओम साई राम। आने वाली 5 सितंबर से सभी का चहेता त्यौहार गणेश उत्सव शुरू होगा, और आने वाले कुछ दिनों में शहर के कई मंडलों में गणेश जी प्रवेश भी करेंगे। गणेश उत्सव को ध्यान में रखते हुए आइए बात करते हैं आमदार ज्योति पप्पू कालानी जी से। सबसे पहले गणपति आगमन की जो तैयारियां हो रही हैं, पूरा शहर गणपतिमय हो जाता है, बाजारें सजने लगती हैं, और ऐसी बहुत सारी बाजारें हैं जो सब बंद करके सिर्फ दुकानें गणपति के सजते हैं, और देखने में शहर को बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले हमारे पूरे शहरवासियों को गणपति बाप्पा मोरिया की, उनके आने की बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छाएं। गणपति बाबा को वेलकम करने के लिए हम अपनी आंखें बिछा के बैठे हैं कि कब गणपति बाप्पा आएंगे। बड़े प्यार से धूमधाम से इस शहर में गणपति का आगमन होता है, और हर एक मंडल हर एक घर अपनी अपनी आस्था के अनुसार ये त्यौहार जो है वो मनाते हैं। शहर में बड़ी धूमधाम मचती है, व्यापारी वर्ग जो है वो भी खुश होता है, क्योंकि उनका भी बिजनेस होता है, पटाखे वालों का बिजनेस होता है, फिर मिठाइयों वालों का बिजनेस होता है, फिर डेकोरेशन का। तो जैसे कहते हैं कि हर त्यौहार अपने अपने साथ में अलग अलग खुशी लाता है, तो गणपति का त्यौहार भी आ रहा है, और शहर ने उसकी पूरी पूरी तैयारियाँ की हैं। कॉरपोरेशन की तरफ से रोड रास्ते खड्डे भरने की जो कोशिश की जा रही है, ठीक है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। जो बहुत बड़े बड़े खड्डे हो गए थे उनको खड़ी वगैरह डाल करके जो थोड़ा स्मूथ करने की कोशिश की जा रही है। वैसे 3.5 करोड़ का टेंडर भी पास हुआ है खड्डे भरने का, तो हमें लगता है कि जैसे ही बारिश पूरी होगी या 4-5 दिन बारिश कम भी हो गई, धूप निकली, तो वो टार रोड का खड्डे भरने का काम भी हो जाएगा। और सेफ्टी सिक्योरिटी की तरफ से वजह से
हमारी पुलिस जो है वो भी बहुत सक्रिय है, उन्होंने भी मीटिंग्स बुलाना और सबको आवाहन करना और अलग अलग हमारे सामाजिक जो है संस्थाएँ उनको भी बुला के शहर में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी रहे और नियंत्रण रहे और ज़्यादा शोर हंगामा और कुछ अप्रिय घटनाएं ना घटें, पुलिस वो कोशिश कर रही है। और हम भी सभी एनजीओस और हम पॉलिटिकल लोग भी मिलकर के अपने शहर के लिए गणपति बप्पा के आगमन की तैयारियां कर रहे हैं। और मैं इस सिलसिले में अपने शहरवासियों को एक संदेश देना चाहूँगी और सभी जो मंडल हैं हमारे जो गणपति भगवान की आह्वान की व्यवस्था करते हैं और वर्गनी भी करते हैं, सब मिलकर के भी आपस में भी फंड इकट्ठा करते हैं और बाकी जगहों से भी वर्गनी करते हैं, काफ़ी सारा खर्चा सब छोटे हों या बड़े मंडल करते रहते हैं, जिसमें बैंड बाजे बुलाते हैं, पटाखे जलाते हैं, डेकोरेशन करते हैं, धूमधड़ाका करते हैं, खाना करते हैं और बड़े बड़े गणपति बिठाते हैं। तो मैं यह रिक्वेस्ट करूँगी सभी मंडलों को कि शहर की सिचुएशन को देखते हुए आज इस शहर को सुरक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप अगर ऐसे करेंगे कि जो वर्गनी करते हैं उसमें से कुछ अमाउंट जो है सीसी कैमरास के लिए आपकी एरिया में, जो मंडल जहाँ पे है वो अपने आजू बाजू के एरिया के लिए, अगर ये एक धर्म का काम करेगा तो जो वर्गनी देने वाले हैं उनका भी भला हो जाएगा, उनका भी पैसा सही परमार्थ में लगेगा और शहर को भी फायदा होगा और जो शहर में लोग हैं वो भी सोचेंगे कि जो एनजीओज हैं जो वर्गनी करते हैं पैसा लेते हैं और वो अच्छे काम में भी पैसे ला रहे हैं। तो मैं ये सभी सामाजिक संस्थाओं को ये आह्वान करूँगी कि आप उनमें से ही खर्चे कुछ कम कीजिए, बेकार का आडंबर और दिखावा ना करके, बेकार के खर्चे ना करके उन खर्चों को कम करके और कुछ शहर के लिए अच्छा करेंगे तो ये शहर वर्गनी देने के लिए तैयार भी हो जाएगा, खुश भी होगा और उनका भी एक मतलब उनको फ़ायदा भी होगा। भगवान सिर्फ हम भगवान को अच्छी अच्छी भेंट चढ़ाएं और फल प्रसाद चढ़ाएं, धूमधड़ाका करें उससे नहीं खुश होते हैं, भगवान श्रद्धा से और भावना से खुश होते हैं। और अगर सभी मंडलों ने अपने शहर के प्रति ये जवाबदारी निभाई तो भगवान सबसे ज़्यादा उसमें ही खुश होंगे। तो आइए इस बार हम गणपति बापा को खुश करने के लिए शहर में सीसी कैमरास बहुत ज़्यादा लगें, शहर की सुरक्षा बढ़े इसकी कोशिश करते हैं। तो क्या सभी मंडल मिलकर के मेरा जो प्रपोजल है क्या आप सभी को मंजूर है, क्या आप अभी उस पर काम करना शुरू करेंगे? शहर में ट्रैफिक की तो बहुत विकट समस्या है, गणपति का तो सच पूछेंगे तो मुझे बहुत टेंशन है कि एक अच्छी मीटिंग जो है ट्रैफिक वालों की लगानी चाहिए, होनी चाहिए। और मैं खुद ही सोचती हूँ कि अब एक महीना जो गणपति का हम आना जाना ऑफिस में कैसे करेंगे, गाड़ी कैसे गुजरेगी, जब अभी हमको आधा घंटा अपने घर से 3 नंबर तक पहुँचने में लगता है। तो हम लोग ट्रैफिक की मीटिंग भी लेंगे और इसमें अधिकारियों को दोष देना और सिर्फ महानगर पालिका को दोष देना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आधा न्यूजेंस जो है वो हम लोग खुद पैदा करते हैं, उसके लिए हम खुद जवाबदार हैं। आज का समय जो है वो ई गवर्नेंस का है, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन हमारा ड्यूटी है, फर्ज बनता है। हमें भी मिलकर के ट्रैफिक वालों को सहयोग करना चाहिए, अपनी गाड़ियां साइड में लगानी चाहिए। आप देखें रास्ते में बाइक खड़ी है तो एक लाइन नहीं, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, तीन तीन लाइन, हर रोड पे तीन तीन लाइनें। और यहाँ पे गाड़ियां खड़ी हैं, कार खड़ी हैं, जो जूने कार सेल करते हैं वो भी दो दो तीन तीन लाइनें लगा के रहते हैं। तो ऐसे लोगों को हमारी रिक्वेस्ट है कि ये शहर आपका है, इस शहर की जवाबदारी भी हमारी है, तो आप सभी को मिलकर के शहर के लिए भी सोचना है। सिर्फ ट्रैफिक वालों को दोष देना उससे काम नहीं चलेगा, हम खुद भी उसका पार्ट बने, ये भी मेरा निवेदन। पिछले कई दिनों से हमारे शहर उल्लासनगर में कई बिल्डिंगों की स्लैब गिरने की खबर है। हाल ही में फिर से ये दुर्घटना घटी उल्लासनगर 3 चोपरा कोट परिसर स्थित साई उजाला अपार्टमेंट में, जहां एक महिला और बच्चा जख्मी होने की खबर है। इस घटना की खबर लगते ही शहर के कई गणमान्य लोग पहुंचे मदद करने। आइए जानते हैं क्या है ये रिपोर्ट। Thank you.
साई उजाला में स्लैब गिर गया पहले माले का, ये न्यूज समझने के बाद तुरंत यहाँ पे आया। वहाँ पे छोटा बच्चा और उसकी माँ वो इंजर्ड हुई थी, उनको साई आशीष हॉस्पिटल में एडमिट किया है। ये डेंजर जोन में है या नहीं इसकी तहकीकात करके महानगर पालिका वो हिसाब से कदम उठाएगी, लेकिन अभी फिलहाल ये बिल्डिंग में कोई भी फ्यूचर में ऐसी दुर्घटना नहीं घड़े इसकी प्रिकॉशन लेके हम लोगों ने सब उधर से लोगों को बाहर निकाला है। साई उजाला बिल्डिंग आंबेडकर स्टैच्यू जवळ आता एक तासापूर्वी फर्स्ट फ्लोरचा जो फ्लोर आहे फ्लोरिंग ते पूर्णच्या पूर्ण खाली आलं आहे। वो रेस्क्यू ऑपरेशन चालू आहे, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा बिल्डिंग इवैक्यूएट किया है, एक दो तीन फ्लैट रह गए वो जल्दी खाली हो जाएंगे। आज यहाँ पे चोपड़ा कोट परिसर में साई उजाला बिल्डिंग है, वहाँ का पहले माले का स्लैब गिर गया है। वहाँ पे एक लेडीज और एक बच्चा, छोटा बच्चा है 7-8 महीने का, वो दब गया था। तो अजय जाधव और हंटे नाम का एक लड़का है, दोनों ने उनको निकाला। हमारे पास जितने भी धोखादायक इमारत है उसके हमारी इसके साथ भी कार्रवाई चालू है, और जो धोखादायक के यादे में नहीं है ऐसे बड़े ऊंची इमारतों को हम एक सर्वेक्षण जल्दी से करके उनको नोटिस देके उनका स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के लिए हमारे विभाग को हम आदेशित कर रहे हैं, और तत्काल ऐसे धोखादायक इमारतों का जायजा लिया जाएगा और प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में प्रवीण इंटरनेशनल होटल में लोकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया और इस मौके पर एक न्यू एसोसिएशन भी बनाई गई। उल्लासनगर जोन 4 के डीसीपी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आइए जानते हैं किस विषय को लेकर ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें मामला ऐसा है कि गौतम जयदेव धारा नाम का आदमी है जो बेसिकली कारीगर है, जो सोने की ज्वेलरी है वो सोनार है उनसे लेके वो ज्वेलरी उनको डिजाइन करके बना के फिनिश करके देता है। उसके लिए MP से उसके पास कुछ ऑर्डर आया था और उसने वो जो ज्वेलरी है वो और दूसरे कारागिरों को बनाने के लिए दी थी। ज्वेलरी का वर्क टोटल कुछ 9,54,000 रुपये की कीमत है उसकी, और वो जो कारागिर है जिसको बनाने के लिए दिया था उसका नाम इसराफिल बाजुर अली शेख उर्फ बंगाली, वो ये लेके फरार हो गया था, भाग गया था ज्वेलरी लेके। हालांकि ये घटना जो है अभी की 7 अगस्त की घटना है। फिर जब पुलिस को पता चला इसमें कंप्लेंट दाखिल हो गई तो पुलिस ने फिर उनका यहाँ कोई अता पता नहीं मिल रहा था तो तुरंत फिर वेस्ट बंगाल के लिए टीम भेजी थी, क्योंकि वेस्ट बंगाल का उनका एड्रेस मिल रहा था। वेस्ट बंगाल में टीम जा के वहाँ पे उन्होंने छानबीन की, लेकिन आरोपी तो नहीं पता चला, लेकिन उनका यहाँ के कल्याण के पास उनका कुछ अता पता है वो अपने को पता चल गया था। तो वहाँ से टीम वापस आ गई और फिर रेकी करके फिर कल्याण रेलवे स्टेशन के पास ये आरोपियों को तीनों को पकड़ा गया है और उनके उनके पास से टोटल 9,03,000 रुपये का ज्वेलरी पूरी बरामद की गई है। उल्लासनगर 5 स्थित स्वामी टेऊराम प्रेम प्रकाश आश्रम में 17 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी का 110वां जन्मदिन और 24वां वर्षीय उत्सव हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। आइए इस बारे में लेते अधिक जानकारी वासुदेव सचदेव जी से। प्रभु प्रेमियों बुधाई दे तवा के खुशी थे थी तेना धरती ते कृष्ण स्वरूप कर्म योगी दिल में शाहिंदर सतगुरु स्वामी शांत महाराजन जो 110 जन्म ए 24 वर्षीय उत्सव 17 अगस्त बुधवार का
वी अगस्त छंछर ताई स्वामी टेणा प्रेम आश्रम में वे धामधूम से मल्हायो वेंदो। इन मंदिर के दुल्हन वांगुर सजाया वो है। जेतरो भी चार पेर भरींदा दर्शन कंदा तवाजी हर मनोकामना पूरी थींदी। 17 तारीख सतगुरु महाराज जो रक्षाबंधन के ढी उनको जन्म शाम जो वे धामधूम से मल्हायो वेंदो। ही भगत ए भगवान ए शिष्य ए गुरु ए भाव ए भेण जो मेलाप लिखल है। तवा भी गुरु के ची रखड़ी बधंदा तो गुरु तवाजी हर तरह की सहायता कंदो लोक में भी परलोक में भी। 20 तारीख सुबह जो 10 बजे पाठन जो भोग संत समागम संतन जो भंडारो आम भंडारो ए शाम जो 20 तारीख स्वामी देव प्रकाश महाराज ए बे संत महात्मा मिली करे इन मेले जो पलव पाईंदा। हर रोज़ सुबह जो 7 खां 10 शाम जो 5 खां 8 सत्संग जैमें संत महात्माओं कलाकार इंदा। तवा चार पेर भरी अचो पेंजे परिवार के वठी अचो तां पेंजे जन्मन में शामिल थे होता पर जैमें मथा भगवान कृष्ण जी आशीष आए कृष्ण स्वरूप आए उन जी अची आशीष वठो। एक प्रेमी के गुरु जे लाए तकलीफ थी भाई गोल्या मां वो पेसुमल प्रभुदास हुयो। वो घुमंदे घुमंदे पंडरपुर पहुंतो। पंडरपुर में भगवान विठल इन के प्रेरणा कई तो सतगुरु स्वामी शांतिमिक उल्हासनगर 5 में रहंदा आहिनि उन्हनि खां वठी नाम वठी आ। हू रहंदड़ वढाला बंबई में हुयो पर जंहिंजो साक्षी विठल भगवान पाण आए उन जे मथां केतिरी आसीस हूंदी। तव्हां बि अची करे आसीस वठो हर कार्य खे सफल बणायो। 40 साई व्रत के चलते उल्हासनगर दोस्त झूलेलाल मंदिर में पहुंचे देव प्रकाश महाराज जी दर्शन करने। भाऊ परशुराम झूलेलाल मंदिर में जिते 40 साहब जे व्रत जे हलने स्वामी देव प्रकाश महाराज जी पधारन आयो लाल कयो झूलेलाल तां सबनी के लख लख न करोड़ करोड़ वाधायूं आइन इन उल्हासनगर जे अंदर पहिरें जे अंदर झूलेलाल मंदिर में। भाऊ परशुराम साहब जेको लॻायो आहे मेलो सिंधियुनि जा मेला सर लॻंदा ई रहंदा कॾहिं खोटी कान रहंदी ऐं फले फुले ऐं 40 ॾींहंनि जो विर्त निर्विघ्नता सां जिन बि रखियो आहे जिनखे बि शुभ भावना आहे न बि पहुची सघिया आहिनि सभिनी जे अंदरि शुभ कामना बणी रहे देश जो कल्याण थिए विकास थिए असां सभिनि जे अंदरि अहिड़ी भावना हूंदी त अॻिते वधी सघंदासीं खटंदा रहंदासीं सभिनि जे लाइ शुभकामना बोल झूलेलाल भॻवान की जय। साईं जी छा चवणु चाहींदा 40 साहिब जे विर्त जी शुरूआत थी चुके अॼु देव प्रकाश महाराज जी पधारिया छा चवणु चाहींदा? ए आयो लाल सभई चओ झूलेलाल। असांजे भाऊ प्रसाद झूलेलाल मंदर में 16 तारीख़ 40 साहिब थियो अॼु 40 साहिब खे 25 जे पूरा थी विया आहिनि करे ऐं अॼु असांजे मंदर साहिब में स्वामी टेऊंराम मंदर मां स्वामी देव प्रकाश महाराजनि पधारिया हुआ। उन्हनि तमामु सुठे नमूने में सत्संग कयो ऐं सभिनी खे आशीर्वाद कई ऐं उनजे सत्संग ॿुधण लाइ हज़ारे माण्हू जमा थी विया हूंदा ऐं मां साईं दर इहा ई प्रार्थना कंदुमि त साईं जी ऊर्जा वॾी थिए ऐं हमेशह असांजे मथां आसीस हुनजी रहंदी अचे ऐं असांजो 40 साहिब 24 तारीख़ पूरो थींदो। उनजे असांजे मंदर मां 30 खे तमामु सुठे नमूने जुलूस निकिरंदो। मां सभिनी भाउरनि ऐं भेनरुनि खे वेनती कंदुमि अची करे जुलूस में शामिलु थियो ऐं पंहिंजो जनमु सफलो कयो ऐं सभिनी दुकानदार भाउरनि खे वेनती कंदुमि की हमेशह वांगुरु पंहिंजा दुकान खोले रखंदा ऐं सिंगार रखंदा आहिनि। ए आयो लाल सभई चओ। ॾाढी ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे जो सतगुरु स्वामी देव प्रकाश महाराजनि झूलेलाल मंदर में अची करे सभिनी जे मथां आशीर्वाद कई ऐं सॼे उल्हासनगर जे मथां आशीर्वाद कई अथऊं त साईं दर इहा प्रार्थना कंदासीं सतगुरु स्वामी देव प्रकाश महाराजनि ऐं भाऊजनि सॼी संगत जे मथां आशीर्वाद कनि ऐं सॼो उल्हासनगर वधंदो रहे वसंदो रहे भाग लॻे इहा साईं दर प्रार्थना आहे। हरदास माखीजा जी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आमदार ज्योति पप्पू कालानी और जनादेश की पूरी टीम की ओर से उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभेच्छा। नौजवान 68 साल जो दादा हरदास माखीजा साहब के दिल से वाधायूं ॾियूं था। उन्हें शहर की शेवा हमेशा कई आ। पहिरों सिंधी महापौर इंडिया जो दादा हरदास माखीजा साहब हुआ इहा ॻाल्हि असां लाइ फ़ख्रु जी आहे त असांखे दादा हमेशा ईंदा आहियूं इज़त मिलंदी आहे ऐं उन्हनि जे जनमदिन ते उन्हनि जी चङियूं हस्तियूं ते ईंदियूं आहिनि ऐं उन्हनि जी एतिरी शहर में इज़त आहे एतिरो उन्हनि जो नालो आहे ईमानदारी वफ़ादारी कम जी लॻन ऐं हर कंहिं क़िस्म जा उन्हनि जा जेके शेवाऊं ॾिनल आहिनि शहर कॾहिं न विसारींदो ऐं झूलेलाल संगत समिति हमेशह
अड़े शख्स जो कदर किया हमेशा कंदी रही दादा के करो 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 वादा पे तो सब मखिया साहब के जन्म ढी लख लख वाई दूँ। मखिया साहब शुरू का वी इन शहर ला पान पतोर है बिना कें लालच बिना कें स्वार्थ के कॉर्पोरेशन में लगभग लगभग सभी डिपार्टमेंट में चेयरमैन या महापौर थी रही चुका तेखा पोए भी बिना स्वार्थ के इन्हें कम किया उन वे वही जगह खूबी आ हमेशा सभी के गड खी हल दुश्मन के भी इन दोस्ती जरिए इज्जत दिनी आ इन कर हमेशा इनके सफलता मिली आई है अस शहर के इन सुठी तमाम सुठी सफलता मिली आ अस एक दो वरी मखिया साहब के जन्म ढी करोड़ करोड़ वाई दूँ था। चालिया साहिब व्रत के चलते उल्लासनगर 2 स्थित झूलेलाल मंदिर और उल्लासनगर 5 स्थित चालिया साहिब मंदिर में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिसका आप लाइव देख सकते हैं आपके अपने शहर उल्लासनगर एप्लीकेशन में। इसी के साथ साथ आप अपना चहिता न्यूज चैनल जनादेश आपकी आवाज भी एनी टाइम देख सकते हैं। सिर्फ आपको प्ले स्टोर में जाना है, उल्लासनगर टाइप करना है और ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। आपका जो भी है बिजनेस या हो आप किसी सर्विस इंडस्ट्री से, आपको और आपके काम को कर सकता है प्रमोट ओम एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन। भले हो सोशल नेटवर्किंग या हो डिजिटल प्लेटफॉर्म, सभी तरह का सॉल्यूशन आपको मिलेगा यहाँ। बस आपको करना है कॉल 7276780000। दिन ब दिन शहर में ट्रैफिक की समस्या बढ़ते जा रही है, इसी को देखते हुए आप सभी से ये निवेदन है कि नो पार्किंग एरिया में गाड़ियां न रुकाएं। इसी संदेश के साथ मैं लेती हूं आपसे विदा, धन्यवाद। गली गली शहर शहर अब जाना देश विदेश, गली गली शहर शहर अब जाना देश विदेश, आपकी आवाज है आपका ही आदेश। जनादेश, आपकी आवाज, जनादेश।